सर सर मेरे बेटे का हाथ जल गया तो उस पे मैं क्या लगाऊं? हाथ जल गया है, मैं बताता हूँ। हर घर में जलने का मसला कॉमन चीज है और गर्म पानी से आपका हाथ जल सकता है या आग से जल सकता है, तो उस पे क्या लगाना चाहिए? क्या कोई सिंपल क्रीम है जो हम लगा के हर किस्म के जले जख्म पे क्रीम लगा सकते हैं? तो अगर सिंपल जलन है, ज्यादा जख्म गहरा नहीं है, सिंपल बर्न है, तो पॉलीफिक्स प्लस एक सिंपल क्रीम है, वो आप लगा सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस जले हुए मरीज पे या किस जले हुए जख्म पे आपने कौन सी क्रीम लगानी है। सो मैं इसके लिए चार हिस्सों में तकसीम करता हूँ, तो मैं तस्वीरों के साथ आपको बताता हूँ कि आपने किस जले हुए मरीज पे क्या लगाना है, ये किस जले जख्म पे आपने कौन सी क्रीम लगानी है। नंबर वन, हम ग्रेड वन कहते हैं, ये हल्का से जैसे आप आग के हवा से जल से झुलस जाता है, चेहरे के बाल मूछे दाढ़ी ये हल्का सा आपकी कपड़ों को दूर से आग लगती है, ये माइनर सा बर्न है, धूप से भी हो जाता है, बहुत ज्यादा धूप हो तो उससे भी हो जाता है, ग्रेड वन कहते हैं। ये जख्म आपको स्किन को डैमेज ज्यादा नहीं करता, तो आपको दर्द भी ज्यादा नहीं होती, बहुत माइनर सी दर्द होती है, ये एक हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इसके लिए किसी डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो ग्रेड वन जो बिल्कुल हल्का सा जला है, उस पर सिंपल आप पॉलीफिक्स प्लस लगा लें फेस के ऊपर, बाजू के ऊपर, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ये एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। जो दूसरी टाइप है बर्न की, इसमें स्किन की ऊपर वाली लेयर्स जल जाती है, तो इसके क्या होता है, आपको दर्द होता है जलने के बाद और स्किन थोड़ा सा उभर जाती है, जिसका मतलब है कि उसमें छाला बन जाता है, पानी बन जाता है, ये ग्रेड टू कहलाता है। ये पिंक होता है, लाल रंग का या पिंक कलर का होगा और इसमें दर्द होगी, ये वो जख्म है जो कि हम देख के पहचान लेते हैं, स्पेशली प्लास्टिक सर्जन की ग्रेड टू है और ये दो हफ्तों में ठीक हो जाएगा, इस पे बहुत फाइन सा निशान आएगा जिस्म के ऊपर। और इसके भी इलाज यही है कि आप कोई क्रीम लगा सकते हैं, पॉलीफिक्स प्लस से लेके क्विंच क्रीम है और आप कुछ स्पेशल पट्टियां आई हैं, वो लगाने से निशान भी कम से कम पड़ता है और आपका जख्म दो हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। स्पेशली बच्चों के लिए रिकमेंड है कि उनकी ड्रेसिंग ऐसी स्पेशल कर दें जैसे एक्वासेल एजी के नाम से, जिससे आपका वो जला हुआ विद इन टू वीक्स ठीक हो जाएगा, दर्द भी नहीं होगी, निशान भी कम से कम पड़ेगा और बार बार पट्टी चेंज करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ये आम हकीम भी इसको ठीक करते हैं, तो अगर आप देखें मुख्तलिफ जगह पे आम लोग पट्टियां लगा के ठीक कर लेते हैं, तो ऐसे जख्म जिसपे स्पेशल पट्टियां ना भी करें, सिंपल क्रीम लगा के भी आप करना चाहें तो इसका इलाज मुमकिन है और दो हफ्ते में जख्म ठीक हो जाते हैं। नंबर तीन, ग्रेड थ्री बर्न क्या होता है? ग्रेड थ्री बर्न वो है जो की गहरा बर्न है, तो इसकी क्या अलामतें, इसमें भी दर्द होती है, इसमें छाले इस तरह नहीं बनते, ये थोड़ा व्हाइटिश में आ जाता है, पिंक व्हाइट हम कहते हैं कि हल्का सा पिंकिश है, हल्का सा व्हाइटिश, थोड़ा गहरा है, ये दो हफ्ते में ठीक नहीं होगा, आप भी किसी आम सर्जन या आम डॉक्टर इसको पट्टियों पे लगाए रहेगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो तीन हफ्ते चार हफ्ते तक भी जा सकता है, और अगर डॉक्टर को लगता है ये गहरा है तो इस पे नई स्किन भी लगा सकते हैं। तो ग्रेड थ्री के वक्त आपको कंसल्टेंट को बजाय आम सर्जन के या आम डॉक्टर के, वो बेहतर है कि आप प्लास्टिक सर्जन को जो कि इसका स्पेशलिस्ट होता है उसके पास लेके जाएंगे, आम हकीमों से आम डॉक्टर से उनके बस की बात नहीं है, आप बेहतर है कि आप अगर स्पेशलिस्ट को दिखाएं तो वो डिसाइड करेगा कि पट्टी करनी है या इसकी स्किन नहीं लगानी है। अगर ज्यादा गहरा हो, टाइम बहुत लग जाए तो फिर जख्म तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपको उसकी तकलीफ बहुत असर रहेगी और जिस्म उभर सकता है, इसे हाइपरट्रॉफिक स्कार कहते हैं, उसमें जलन खिंचाव दर्द रहती है, जख्म भरने के बाद भी आपको बुरा बुरा लगता है, निशान बड़े बुरे लगते हैं, इसलिए इसको टाइम पे दिखाना भी जरूरी है। ग्रेड फोर, ये सबसे गहरा बर्न होता है, ये लेदरी कलर का एश कार हम कहते हैं, एक मोटी सी पूरी स्किन जली हुई बिल्कुल काली से आपको नजर आती है, ये बिल्कुल व्हाइट नजर आता है, इस पे दर्द भी नहीं होती, ये इतना गहरा होता है कि आपकी स्किन सारी जल जाती है, तो इसके अंदर जो दर्द करने वाली नर्व्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती है, तो आपको बिल्कुल दर्द खास पता नहीं चलता, लेकिन ये फुल गहरा होता है, इसका इलाज पट्टियां बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप पट्टियों पे रहेंगे तो वो पूरी जली स्किन उतरने में महीने दो महीने लग जाएंगे, फिर नई स्किन आने में और टाइम लग जाएगा, तो इसमें आपकी डिफॉर्मिटी सबसे ज्यादा बनती है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि आप प्लास्टिक सर्जन को या कंसल्टेंट को कंसल्ट करें, वो सारी स्किन जितनी जल्दी हो उतार दे और इसमें नई स्किन लगाए, तो इसका सलूशन नई स्किन है। इसका इलाज अगर आप हकीमों से कराएंगे और आप पट्टियों पर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होंगे, आपके बाजू साथ जुड़ जाएंगे, आपकी उंगलियों साथ जुड़ जाएंगी और आपको टाइम भी तीन से चार महीने लग जाएंगे और बाद में भी आपको ऑपरेशन करवा के गर्दन या टांगों या उंगलियों को सीधा करवाना पड़ेगा इलाज। चेहरा अगर ज्यादा जल गया तो वो नई स्किन लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इस बर्न के लिए आप टाइम पे कंसल्ट करें सर्जन को ताकि वो आपको नई स्किन लगा के उसका इलाज कर सके।